हेलो एवरीवन। तो बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस को याद करने के लिए ट्रस्ट मी, मैंने इतनी प्यारी कहानी बनाई है और तुम्हें बहुत आसानी से इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में पूरी ग्लाइकोलाइसिस अलोंग विद एंजाइम याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चलो शुरू करते हैं। कहानी की लीड रोल में आती है एक बहुत ही अमीर लड़की जिसका नाम है ग्लूकोज। बेटा जी, है तो बहुत अमीर पर दिक्कत ये है कि सुंदर नहीं दिखती। एंड तुम्हें पता है, जहाँ पैसा है वहाँ खूबसूरती है। तुम्हें पता है ना, अगर किसी के पास पैसा है और वो खतरनाक सा मेकअप करवा ले, खतरनाक मेकओवर करवा ले, तो जी बहुत सुंदर दिख सकता है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो इस वीडियो के बाद YouTube पे कोरियन मेकअप डालना। कोरियन मेकअप में ना पता नहीं क्या से क्या हुलिया ही बदल देते हैं भाई। वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, लड़की की आँखें क्या दिखने लग जाती है। नॉट इवन लड़कियाँ, लड़के भी ऐसी चीज़ें करवाते हैं, ठीक भाई। तो ग्लूकोज एक अमीर बंदी और एक बहुत ही अमीर से, बहुत ही महंगे से पार्लर में जाती है, ठीक। एंड वो बोलती, भाई मेरी समस्या ये है दैट आई डोंट हैव हेयर, मेरे सिर पे बाल नहीं है, प्लीज़ कुछ करो। तो हम एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट जो कि 1 पाउंड का है, उसको यूज़ करते हैं और इसके सिर पे लगाते हैं और लो जी, इसके सर की टकली पे बाल आ जाते हैं एक साइड कुछ इस तरीके से, बहुत ही ख़तरनाक से बाल आ जाते हैं, ठीक। और ये एकदम से बहुत ही सुंदर लगने लग जाती है और ये बन जाती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। पहली स्टेप क्लियर, ठीक। अब क्योंकि ये एक बार पार्लर आई चुकी है, बेटा अगर तुम बहुत ही किसी एक्सपेंसिव पार्लर में जाओगे ना, तो उनका टेक्निक क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम के साथ जाते हो बट वो आपके अंदर विद इन सम टाइम इतनी प्रॉब्लम निकाल देते हैं कि तुम्हें भी लगता है यार मेरी तो स्किन बहुत ही ख़राब हो रही है, ओहो मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, ओहो मेरे बाल ख़राब हो रहे, ओहो ऐसा हो गया। और उसके बाद वो बताते हैं तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट जो बहुत ही महंगे होते हैं। एंड जो इंसान इनकी बातों में आ जाता है भाई, वो इतने भयंकर पैसे लगा के जाता है, वो मतलब लुट पिट के जाता है और वो बहुत सारे पैसे लेकर आया होता है और खाली हाथ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि मैडम आप बहुत सुंदर हैं बट आपको एक मेकओवर की ज़रूरत है। और मेकओवर कौन सा मेकओवर? कोरियन मेकओवर की ज़रूरत है आपको। कौन से मेकओवर की ज़रूरत है? कोरियन मेकओवर के। और कोरियन मेकओवर के बाद आप बहुत ही सुंदर लगोगी। ये कहती है, अरे वाह दैट्स गुड, कर दो जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। पर ये बोलते हैं, नहीं 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 बस आपको थोड़ा सा मेकओवर करवाना है। तो लो जी, छोटा सा मेकओवर करवाते हैं और मेकओवर करवा के इस बहन को क्या बना देते हैं, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। मतलब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ना कपड़े वपड़े बदल दिए और थोड़ा चश्मा वश्मा लगा दिया और उसको क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक भाई। अब क्या होता है, इसको कहते हैं कि आपके एक साइड बाल अच्छे लग रहे हैं पर अगर एक साइड बाल और आ जाए तो आप और सुंदर लगोगी। ये कहती है, देर किस बात की, कर दो भैया प्लीज़। तो हम एक बार फिर से 1 पाउंड का एक महंगा प्रोडक्ट लगाते हैं एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि इसकी दूसरी साइड भी बहुत सारे बाल आ जाते हैं। और देखते ही देखते ये बंदी क्या बन जाती है, फ्रक्टोज, ध्यान से सुनिए, 1,6-बाईफॉस्फेट। कुछ ऐसे याद कर लीजिए कि ये फॉस्फेट बाल हैं, पहले पहली पोजीशन पे लगे थे, अब पहले सिक्स पोजीशन पे लगे थे, अब फर्स्ट पोजीशन पे लग गए एंड ये बन गई फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट। कितने स्टेप हो गए, 1, 2, 3। अब बेटा जी, अमीर लड़कियों को प्यार बड़ा जल्दी हो जाता है और अमीर लड़कियों को फंसाने के लिए खूब लड़के घूमते हैं और खूब बॉडी वॉडी बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर एक बार किसी अमीर लड़की से शादी हो गई तो ज़िंदगी सेट है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्री का पैसा मिलेगा, मज़े से जिएंगे, ऐश करेंगे। तो इस फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट नामक लड़की को पार्लर में बैठे बैठे ही एक डोले वाले बंदे से प्यार हो जाता है। इस बंदे के ना डोले शोले हैं और ये बंदा कोई और नहीं, इसका नाम है डोले वाला बंदा, एल्डोलेस, ठीक। इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, देखो एल्डोलेस तो चाहता ही था कि ये बंदी इसके प्यार में आ जाए और ये बंदी भी इसके प्यार में आ जाती है और खूब ज़्यादा प्यार हो जाता है। और ये एक ही दिन की चंद मिनट की मुलाकात में डिसाइड कर लेते हैं कि जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ और लो जी शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 2 बच्चे होते हैं। पर यार दोनों में ना बड़ी दिक्कत होती है, एक पागल होता है और एक ढाप होता है। देखो जी मज़ेदार बात, पागल तो पागल होता ही है, ढाप महापागल होता है, ठीक। कौन सी स्टेप पे आ गए हम? 4th स्टेप। और दिक्कत की बात यह है कि पागल जो भी करता है ना, ढाप उसको कॉपी करता है, तभी तो ढाप महापागल है। तो ये क्या करेगा, हर स्टेप में इसको कॉपी करेगा। ये हो गई 5वीं स्टेप। अब फट से इन 5 स्टेप को प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं कि तुम्हें याद क्या करना है। आ जाओ, मैं फटाफट लिख लेती हूँ इसको पहले। तो चलिए बेटा, 5 स्टेप को एंजाइम के साथ याद करते हैं। पहली स्टेप में हमने क्या बोला था, ग्लूकोज नाम की लड़की क्या बन जाती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ऐसा करने के लिए मैंने 1 पाउंड
क्या लगाया था, 1 पाउंड खर्च करके प्रोडक्ट लगाया था। तो यहाँ पे 1 पाउंड क्या है, एटीपी, और एटीपी क्या बन गया है, एडीपी। ऐसा करने के लिए वी नीड हेक्सोकाइनेज। याद रखिएगा, जब भी कुछ एटीपी से रिलेटेड बात होती है, काइनेज नाम का एंजाइम होता है, और पहला स्टेप है हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हमने क्या कराया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मेकओवर कराया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। और बेटा जी, मेकओवर कराने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा, दैट इज़ आइसोमीरेज। ठीक, थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इस लड़की की दोनों साइड बाल आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे भी एंड 6th पोजीशन पे भी। ऐसा करने के लिए दोबारा मुझे प्रोडक्ट लगाना पड़ा था, तो एक एटीपी फिर से खर्चा हुआ था। खर्चा होते ही डेफिनेटली एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा जी, ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम। वाई, ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में अगर सेल के पास एनर्जी होती है तो ये स्टेप से आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक। पर अगर सेल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, एनर्जी बनाने की ज़रूरत है, तो ये इस स्टेप के आगे बढ़ने देगा। इन शॉर्ट, ये डिसाइड करेगा कि इस स्टेप के आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। दैट इज़ वाई ये पूरी स्टेप्स जो हैं, या आप कह सकते हैं पूरी ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ वाई इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंजाइम। चलिए, फोर्थ में मैंने क्या बोला था, इसको एक बहुत ही मतलब एक लड़के से प्यार हो जाता है, डोले शोले वाले, जिसका नाम है एल्डोलेज। इनके कितने बच्चे होते हैं, 2। एक है पागल, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, या 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, या ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तीनों बोल सकते हो तुम। एक दूसरे का नाम है ढाप, ढाप का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पागल तो पागल है, ढाप महापागल है, ढाप हर बात में आगे जाके पागल को कॉपी करेगा। ठीक भाई, क्लियर है यहाँ तक, फिफ्थ स्टेप भी। अब जैसे स्टार प्लस के सीरियल्स में कुछ साल का गैप आ जाता है, मतलब सडनली ना जनरेशन गैप आ जाता है, जैसे वो बेहुदा सीरियल नहीं आता रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी जनरेशन आ गई। सिमिलरली इस कहानी में भी फ्यू ईयर्स अगो जनरेशन, मतलब एक चेंज कर दो, पागल की जनरेशन ले आओ, मतलब ग्लूकोज की जनरेशन गई, पागल की जनरेशन आ गई, बच्चे बड़े हो गए, 25 साल बाद बड़े हो गए, और बच्चे इतने बड़े हो गए कि पागल भाई साहब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से कोलैबोरेशन करता है, और एक बहुत बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट करता है जिसका नाम है आईपी कंपनी। ठीक, कौन सी कंपनी, आईपी कंपनी, और इसका बहुत बड़ा नाम बन जाता है। बड़ा नाम क्या बन जाता है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इतनी बड़ी ब्रांड बन जाती है। और तुम्हें पता है, जब बहुत बड़े ब्रांड वाले लोग होते हैं ना, वो दान पुण्य बड़ा करते हैं, तो ये एक भिखारी होता है, एनएडी नाम का, इंटरनेशनल भिखारी, इसको समय समय पे दान करते रहते हैं। ठीक भाई, स्टेप नंबर 6 आपको क्लियर हो गई। चलिए स्टेप नंबर 7 पर आते हैं। अब ये बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है, पर समय के साथ साथ इसे फील होता है कि आईपी कंपनी के साथ इसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये इसके साथ अपनी जो कंपनी है ये इससे ब्रेकअप कर लेती है, मतलब इससे बॉन्ड तोड़ लेती है, और आईपी कंपनी अलग हो जाती है। बट तुम्हें पता है आईपी कंपनी बड़ी शाणी होती है, ये किसी ना किसी मुर्गे को दोबारा पकड़ लेती है, तो इस बार किस मुर्गे को पकड़ लिया, एडीपी, और इनकी एक नई कंपनी बन गई एटीपी। ठीक, पर क्योंकि इस कंपनी से अपनी जो बड़ी वाली पागल की कंपनी थी उसका लॉस हुआ है, तो उसके नाम में तो क्या होगा, लॉस आएगा, और ये बंदा क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक भाई, इसका नाम छोटा हो गया। अब ये एक पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी है ना न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर सही है कौन सा बेकार है। तो वो कहते हैं भैया 3 का आंकड़ा तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है, भाई तुम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 3 की जगह 2 बन जाओ। तो ये अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 था, अब वो क्या बन गया है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किस अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ठीक भाई, अब क्या होता है आगे सुनो, ये इतना कंपनी के काम में व्यस्त हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देता है, और इतना व्यस्त होने के कारण इसके गैस बनने लग जाती है, तो ये लगातार बार बार क्या पीना शुरू कर देता है, इनो पीता है। ठीक, और इतना इनो पीता है कि इसके वाटर निकलता है बॉडी से, बहुत ज़्यादा वाटर निकलने लग जाता है, और ये बंदा इनो मैन बन जाता है। कैसा मैन, इनो मैन, क्या बन गया ये, फॉस्फो इनोल पाइरूविक
एसिड, ठीक है भाई। अब समय के साथ साथ ये बहुत बूढ़ा होने लग गया, 50 साल का हो गया, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। और तुम्हें पता है, अक्सर बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि ज़िंदगी का सार सक्सेस नहीं था, पैसा नहीं था, आध्यात्म था। मतलब वो ये सब मोहमाया त्याग देते हैं, और ये सारी मोहमाया त्याग देता है, इसको समझ आ जाता है कि इसकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं था। पैसा यहाँ पर क्या था? फॉस्फो। और बेटा ये इसको त्याग देता है, और ये बहुत ही संत आत्मा बन जाता है, पाइरूविक एसिड। जैसे ही ये फॉस्फो त्यागता है बेटा, फॉस्फो एक बहुत ही लक्ष्मी की तरह है, कोई भी इसे त्यागेगा कोई ना कोई तो इसको पकड़ ही लेगा। और लो जी, एक बार फिर से ADP नाम का शाणा बंदा इस फॉस्फो बोले तो IP को पकड़ के क्या बन गया? ATP। तो कितने स्टेप हो गए अपने पास यहाँ पे? ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। फटफट इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल वे में दोबारा 5 स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। देखो जी बेटा, 6 स्टेप में आपने क्या बोला था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने IP कंपनी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कोलैब किया था, और वो एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और वो भिखारियों को दान दे रहा था, भिखारी कौन था? NAD। और वो क्या बन रहे थे? NADH। बेटा NAD में NADH लगाने के लिए मुझे H निकालना पड़ता है, और H निकालने के लिए वी नीड एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, जिसके नाम में लिख रहा है डी का मतलब हटाना, हाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन हटाने वाला, ठीक। 6 स्टेप क्लियर है। 7 स्टेप में क्या होता है? ये IP कंपनी से बॉन्ड तोड़ता है। तो बेटा जी, IP निकलते क्या बन जाता है? ATP। और ATP जब बनता है, काइनेज एंजाइम आता है, और इस काइनेज नाम का एंजाइम का तुम्हें नाम भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्या नाम कर लो? नीचे वाले नाम को ऊपर उठा के लिख लो, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 7 स्टेप क्लियर। अब आ जाइए 8 स्टेप पे। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फॉर्म चेंज कर लेता है, 3 को 2 बना लेता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि म्यूटेज एंजाइम आएगा, ठीक। 8th स्टेप क्लियर। अब ये बहुत ज़्यादा इनो पीता है यानी कि एंजाइम का नाम है इनोलेस, और क्या निकलता है? पानी। और अब आ जाइए फॉस्फो इनोल पाइरूविक एसिड क्या निकाल देता है? ये क्या निकाल देता है? IP। और IP निकलते दोबारा से क्या बन जाती है? ATP। और ये बंदा क्या बन जाता है? पाइरूविक एसिड। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान से सुनना, मैंने बोला था जो भी पागल करता है ढाप उसको कॉपी करता है, यानी कि ढाप बार बार पागल में कन्वर्ट होता है और वो सेम स्टेप्स रिपीट करता है। तो जो सब मैंने अभी किया उसको सबको इंटू टू कर दो, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आई हैं ये सब इंटू टू कर दो, ठीक। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, पागल के लिए लकी नंबर क्या है? 2। और ढाप सारा कन्वर्ट करके वो सारी चीज़ें कितनी बार बनवा देता है? 2। तो जितनी भी स्टेप हैं बेटा जी, फटाफट तुम कर लेना, इसको क्या कर देना है? बस 2, 2, 2। लो जी इंटू टू कर दो, लो जी इंटू टू कर दो। इस स्टेप में 2 H2O निकाल दो, इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो, 2 ATP बना दो, ठीक। बन गया पाइरूविक एसिड, 2, 2 बन गए। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। बेटा मेरा पूरा इसमें खर्चा कितना हुआ? फर्स्ट 5 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में मैंने खर्चा किया। क्वेश्चन बनते हैं इनसे। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में हमने ATP का खर्चा किया। कितने ATP खर्च हुए? 2 ATP। पर मेरा नेट गेन क्या रहेगा? पहले देखो, 7th स्टेप पे मुझे 2 ATP मिले, फिर 10th स्टेप पे मुझे अगेन 2 ATP मिले, 6th स्टेप पे याद आ रहा है मुझे 2 NADH मिले, और 9th स्टेप पे मुझे 2 H2O निकाले थे, और 10th स्टेप पे मेरे पास 2 पाइरूविक एसिड आए थे। पर क्योंकि मैंने 2 ATP का खर्चा किया और 4 ATP मेरे पास आए, तो मेरे पास 4 ATP की जगह नेट ATP कितने आए? 2 ATP। अब मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, पागल के लिए बेस्ट लकी नंबर है 2। तो हर प्रोडक्ट यहाँ पे कितनी बार बनेगा? 2। तो लकी नंबर 2, इसलिए सारे प्रोडक्ट 2। 2 ATP, 2 NADH, 2 H2O, 2 पाइरूविक एसिड। ये 2 ATP डायरेक्टली हमें मिले, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट, ये 2 NADH जो बने ये किस में एंटर कर जाएंगे? ETS में। एंड फाइनली हमें नेट गेन क्या हो गया? 2 पाइरूविक एसिड का। विद दिस ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।